हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं साइक्लोन ड्रिफ्ट आरसी बाइक की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। तो देख रहे हो गाइस, काफी जबरदस्त बाइक है। तो चलो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। इस आरसी बाइक को मैंने खरीदा है अमेजोन से। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जाकर इस आरसी बाइक को खरीद भी सकते हो। इस आरसी बाइक की सबसे खास बात है, इसके अंदर हमें 40 इंडिविजुअल व्हील्स देखने को मिलते हैं। और ये जो आरसी बाइक है माइस्टो की तरफ से आ जाती है। माइस्टो के जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और इसके अंदर जो रिमोट हमें देखने को मिलता है वो 2.4 GHz पावर्ड रिमोट भी मिल जाता है हमें। और इस बाइक को चार्ज करने के लिए हम लोग कोई भी USB चार्जर यूज़ कर सकते हैं। सभी USB चार्जर से ये बाइक चार्ज भी हो जाती है। यहाँ पर भी इसके बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ये जो बाइक है दो स्किल्स बता सकती है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना, आपको आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बाइक की वीडियो देख कर। तो चलो दोस्तों, फटाफट से इस बाइक को मैं अनबॉक्स कर लेता हूँ यहाँ से। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार जल्दी से लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो यहाँ से भी हमारी बाइक को निकाल लेते हैं। ये रही बाइक और ये रहा इसका रिमोट। तो सबसे पहले इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ। रिमोट की जो क्वालिटी है एकदम ऑसम देखने को मिलती है। और यहाँ पे भी लिखा है 2.4 GHz बोलकर। नीचे हमें दो बैटरीज डालनी होती है। बैटरीज मैंने इसके अंदर ऑलरेडी डाल के रखी हुई है। यहाँ से इस रिमोट को आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर हमें एक LED इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। और यहाँ से इस बाइक को आप फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हो। यहाँ पर है इसका स्टीयरिंग लेफ्ट राइट करने के लिए। ओवरऑल इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अच्छी खासी ग्रिप भी दी हुई है इसे ग्रैप करने के लिए। तो रिमोट की क्वालिटी जो है मेरे को एक नंबर लगी गाइस। तो इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर। इस बाइक को चार्ज करने के लिए एक USB चार्जर भी मिल जाता है। आप चाहे तो कोई भी चार्जर यूज़ करके इस बाइक को चार्ज भी कर सकते हो। तो चलो फटाफट से बाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी तरीके से कुछ अलग किस्म की बाइक नज़र आती है। यहाँ पर एक राइडर भी बैठा हुआ है। तो ये जो राइडर है पूरी तरीके से रोबोट है, आप देख भी सकते हो। यहाँ पर कुछ लाइट्स हमें देखने को मिलती है। और इस बाइक की सबसे खास मैं आपको बताऊंगा, इस यहाँ पे इसका व्हील है। व्हील के अंदर और भी इंडिविजुअल व्हील्स लगे हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसके अंदर टोटल इस तरफ 10 व्हील्स है, इस तरफ 10 व्हील्स है, एक व्हील के अंदर और 20 इंडिविजुअल व्हील्स लगे हुए हैं। पीछे की तरफ भी सेम उसी तरह का है। टोटल यहाँ पे 20 इंडिविजुअल व्हील्स है, यहाँ पर 20 इंडिविजुअल व्हील्स लगे हुए हैं इस आरसी बाइक के अंदर। और नीचे की तरफ से यहाँ से हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे है इसका चार्जिंग पोर्ट। चार्ज होते समय यहाँ पर एक रेड कलर का इंडिकेटर भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हम इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे ऑन करते हैं यहाँ पर दो रेड कलर की लाइट्स हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी रगड़ नज़र आती है, बिल्कुल भी टूटने फूटने वाली चीज़ कहीं से भी नज़र नहीं आती है ये बाइक। ओवरऑल इसमें जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा प्लास्टिक लगा मेरे को। और काफ़ी स्टडी भी है गाइस ये बाइक। तो इस बाइक का बैलेंस सही करने के लिए साइड में दो स्टॉपर्स भी लगे हुए हैं। आप चाहे तो इन स्टॉपर्स को निकाल भी सकते हो गाइस। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, देखने में कुछ अलग ही नज़र आती है ये बाइक। इस बाइक की जो स्पीड है यहाँ पर मैं आपको टेस्ट भी करके बता देता हूँ। तो स्पीड काफ़ी अच्छी खासी नज़र आ रही है। दोनों टायर्स एक साथ घूमते हैं इसके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एक और चीज़ मैंने इसके अंदर नोटिस की है गाइस, ये जो व्हील्स आप देख रहे हो साइड की ओर लगे हुए हैं। तो ये जो बाइक है मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट मार सकती है, स्ट्रेट नहीं चल सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी इसका नाम आप पढ़ सकते हो, साइक्लोन ड्रिफ्ट बोलकर लिखा हुआ है। इसके जो इंडिविजुअल व्हील्स है अगर स्ट्रेट लगे होते तो ये जो बाइक है स्ट्रेट चल सकती थी शायद। तो अभी टेस्ट कर लेते हैं गाइस, देखते हैं ये जो बाइक है स्ट्रेट चलती है या फिर ड्रिफ्ट मार सकती है।
दोस्तों इस बाइक को पूरी तरीके से कर लिया है मैंने टेस्ट और भाई इसे कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा मेरे को, क्योंकि यार इसके जो व्हील्स है साइड में लगे हुए हैं, ये जो बाइक है राउंड बहुत ही बड़ा राउंड लेकर ड्रिफ्ट मारती है, तो मैंने इसे स्ट्रेट भी चलाने की पूरी पूरी कोशिश की है पर ये चल नहीं पा रही थी। पर काफ़ी ख़तरनाक तरीके से ड्रिफ्ट मार सकती है भाई साहब, और काफ़ी अच्छी तरीके से 360 डिग्री टर्न्स भी ले सकती है और काफ़ी अच्छी तरीके से राउंड भी घूम सकती है, आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो के अंदर। और भाई इसका वीडियो बनाते समय मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है यार, और इसे टेस्ट करते समय ये जो बाइक है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर टकराई भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह भी लगे हुए हैं, पर बिल्कुल भी टूटी फूटी कहीं से भी नहीं है, काफ़ी अच्छी मटेरियल की बनी हुई है। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगी मेरे को, इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है और काफ़ी अच्छे खासे स्टंट वगैरह मार सकती है ये बाइक। ओवरऑल बाइक मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगी गाइस। तो अभी बात करते हैं इसके रिमोट के बारे में। रिमोट जो है भाई इसको देखते ही इसकी क्वालिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी का ये रिमोट है। तो रिसेप्शन जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस रिमोट का हमें, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पावर्ड रिमोट है। ओवरऑल रिमोट की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त है। अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से जाकर आप चाहे तो इस साइक्लोन RC ड्रिफ्ट बाइक को ख़रीद भी सकते हो। कल भी मैंने एक RC बाइक की वीडियो डाली थी, ये बाइक जो है पूरी तरीके से डिफॉर्म होकर अपना शेप भी चेंज करती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा इसका डेमो बता देता हूँ। अगर आप इसकी फुल वीडियो नहीं देखे हो अभी तक तो जाकर ज़रूर से देख लेना। ये रहा इसका रिमोट, तो अभी इसको मैं डिफॉर्म भी करके बताता हूँ। तो ये बाइक इस तरह से पूरा डिफॉर्म होकर अपना शेप भी चेंज कर सकती है। और काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे दौड़ भी सकती है ये वाली बाइक। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। तो आज देख लेते हैं किसको किसको मिलने वाला है शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है फरीद खान, श्लोक जैन, आशीष चंद्रा, जगजीत सिंह, निहाल पांचाल, अतुनेश, आशुतोष, इम्तियाज़, ऋषिल, अंकुश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार RC बाइक्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।